हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न जोबे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हांगकांग क्रिकेट क्लब वर्सेस कोलिन क्रिकेट क्लब के बीच में होने वाला 11th वनडे मैच के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मैच भारत के टाइम के अनुसार सवेरे 6:30 बजे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये मैच स्टार्ट होने में लगभग अभी भी 5.5 घंटा बाकी है। तो फ्रेंड्स, 6:30 बजे होने वाला है, टाइम को याद रख लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो विकेट कीपर्स हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर बॉलर्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल मिला के आपको यहाँ पर 40+ प्लेयर्स मिलेंगे। इसमें हम लोग टॉप 11 प्लेयर्स को पिक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई मुश्किल का काम नहीं होने वाला है, बहुत आसान होगा। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, मुझे फॉलो करना है। फ्रेंड्स, मुझे फॉलो करते आपको यहाँ पर टॉप 11 प्लेयर्स मिल जाएंगे। ये टॉप 11 प्लेयर्स को लेकर आप किसी भी लीग को ज्वाइन कर सकते हैं, स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, हेड टू हेड, जो भी लीग आप ज्वाइन करोगे तो फ्रेंड्स आप वहाँ जाकर आसान से जीत जाओगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एंड यहाँ पर ये मैच हांगकांग क्रिकेट क्लब ग्राउंड में खेला जाएंगे फ्रेंड्स। और अगर लीग की बात करें तो फ्रेंड्स, हांगकांग वनडे टूर्नामेंट लीग है। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से विकेट कीपर को पिक करने से पहले आपको एक काम करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होता है तो फ्रेंड्स टेलीग्राम पे जाकर आप इस तरह सर्च करना, क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे सर्च करते ही मेरा चैनल हो जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विकेट कीपर हैं, जल्दी से विकेट कीपर को पिक कर लेते हैं। किस विकेट कीपर को लेना चाहिए आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहला प्लेयर है जेमी एटकिंसन। अगर इनकी बात करें तो लास्ट कुछ मैचेस की स्टार्ट्स है 19 रन 37 रन 25 6 और 14 रन बनाए फ्रेंड्स यहाँ पर। और क्रिस कार्टर की बात करें तो फ्रेंड्स 2 रन नॉट प्ले 15 7 26 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर अदित गोराबरा की बात करें तो 0 58 35 23 नॉट प्ले 13 रन्स है। और यहाँ पर टॉम ह्यून सिंगा की बात करें तो एक ही मैच खेले फ्रेंड्स 54 रन बनाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको विकेट कीपर में जेम एटकिंसन बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं और यहाँ पर आदित गोराबरा भी बेस्ट ऑप्शन है। टॉम ह्यून सिंगा लास्ट मैच खेले 54 रन बनाए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर दो ही को मैं पिक कर रहा हूँ, जेम एटकिंसन और यहाँ पर अजित गोरावरा में। यहाँ पर तो देखा जाए तो अजित गोरावरा बेस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अजित गोरावरा लास्ट मैच खेले, ह्यून सिंगा भी लास्ट मैच खेले, लास्ट मैच नहीं खेले फ्रेंड्स ह्यून सिंगा। तो यहाँ पर एटकिंसन की यहाँ पर क्रेडिट अच्छी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एटकिंसन से पे आप जा सकते हैं, लेकिन कभी भी क्रेडिट दे के मत जाना, लेकिन यहाँ पर एटकिंसन आपको बेस्ट ऑप्शन है। अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बैट्समैन की, तो किस बैट्समैन को लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैट्समैन की बात करें जल्दी से बैट्समैन को भी पिक कर लेते हैं। तो पहला प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर बाबर हयात। अगर इनकी बात करें 7 रन 17 33 61 81 और यहाँ पर 28 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 28 रन है, तो यहाँ पर 2 अर्धशतक है, तो यहाँ पर 33 रन भी 28 रन भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो इस प्लेयर की स्टार्ट्स बहुत अच्छा है, तो इस प्लेयर को कंफर्म कीजिए। उसके बाद साइमनदीप सिंह की बात करें तो 51 1+0 विकेट 331 नॉट प्ले 9 और 1 रन है फ्रेंड्स यहाँ पर। मोहम्मद खान की बात करें तो यहाँ पर 2 अर्धशतक है, 51 2 51 0 6 है। उसके बाद यहाँ पर देवंग बलसारा की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 6 रन 2 रन 5 नॉट प्ले 6 रन है। उसके बाद यहाँ पर सन्नी भीमसारिया की बात करें तो फ्रेंड्स 1 रन 3 रन 4 रन और कोई विकेट नहीं है। उसके बाद जेडन ब्रॉडफील्ड की बात करें तो फ्रेंड्स 1 रन नॉट प्ले 26 रन है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेट लॉन्ग की बात करें तो 33+3 विकेट है, 11+3 विकेट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रेट लॉन्ग को आप यहाँ पर गेंदबाज समझ के भी ले सकते हो, ऑलराउंडर समझ के लीजिए। उसके बाद मार्टिन कोटेजी की बात करें तो अभी तक नहीं खेले फ्रेंड्स यहाँ पर, 4 मैच 4 इनिंग्स में 20 रन 5 की औसत है। यहाँ पर मार्टिन कोटेजी को आप कैंसिल कीजिए। और रैन बकली की बात करें तो नॉट प्ले 2 नॉट प्ले 4 16 रन है। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर निनाद शाह, अगर इनकी बात करें 0 14 19 30 नॉट प्ले 1 रन है। उसके बाद राहुल शर्मा ने यहाँ पर कुछ मैचेस में 1 0 0 2 और 9 रन बनाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब 3-4 बैट्समैन को आप यहाँ पर जरूर ले सकते हो। यहाँ पर बाबर हयात को कंफर्म कर दीजिएगा फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद खान को आप कंफर्म कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रेट लॉन्ग आपको बेस्ट ऑप्शन है, ब्रेट लॉन्ग को भी आप कंफर्म कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक और प्लेयर को आप ले सकते हो फ्रेंड, वो है यहाँ पर आप देख सकते हो साइमनदीप सिंह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साइमनदीप सिंह को भी आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जल्दी से बैट्समैन को पिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाबर हयात लास्ट मैच नहीं खेले, लेकिन यहाँ पर मैं इनको ले रहा हूँ। उसके बाद एन खान है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एस सिंह है, यहाँ पर कोटेजी खेले, लेकिन इनको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। एम खान को भी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टीम मेरा बन गया यहाँ पर बैट्समैन की। अब आ गई फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर्स की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलराउंडर हम लोग 2 से 3 ऑलराउंडर को पिक करने वाले हैं। तो किस किस को लेना आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर वकर्स बरकत की बात करते हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस है, 2 रन 27 रन 1 विकेट 8 रन 1 विकेट 27 रन कोई विकेट नहीं 1 विकेट 8 रन 2 रन और बनाए 6 बॉल पे 1 विकेट है 34 रन और 1 विकेट है। तो फ्रेंड्स, आप इनको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अजाज खान है फ्रेंड्स 52+1 विकेट 63+1 विकेट 18+ कोई विकेट नहीं 33+1 विकेट 1+2 विकेट 23+1 विकेट 0+5 विकेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अजाज खान को 100% कंफर्म कीजिए। तो उसके बाद हारून अरशद की बात करें 40 रन 1 विकेट 21 रन 1 विकेट 35 रन 1 विकेट 19 रन 2 विकेट 13 रन 1 विकेट 6 रन 2 विकेट। तो फ्रेंड्स, हारून अरशद को भी कंफर्म कीजिए। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर किंचित सा, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर 56 रन कोई विकेट नहीं 38 रन 1 विकेट
58 रन, 3 विकेट, 14 रन, 2 विकेट, 1 विकेट, 32 रन और कोई विकेट नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर किंचित साहू को भी आपको टीम में लेना फ्रेंड्स ले लीजिएगा। इसके बाद निजाकत खान की बात करें 40, 6, 24, 7 रन, 2 विकेट, 66 और 87 रन है फ्रेंड्स यहाँ पर। लुक जोन्स की बात करते हैं ऑलराउंडर है, 2 रन, 1 विकेट, 25 रन, कोई विकेट नहीं, 0 विकेट, 11 रन, 2 विकेट, 0 विकेट, नॉट प्ले है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 6 में हम लोग यहाँ पर कुछ ऑलराउंडर्स को ले सकते हैं। एजाज खान को यहाँ पर कंफर्म कीजिए, हरुण अरशद को भी आप यहाँ पर कंफर्म कीजिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद किंचित साहू को भी आप यहाँ पर कंफर्म कीजिए, उसके बाद एक और प्लेयर को आप ले सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर निजाकत खान। तो फ्रेंड्स जल्दी से ऑलराउंडर्स की बात करें तो हर ऑलराउंडर अच्छे हैं फ्रेंड्स। एजाज खान को यहाँ पर मैंने ले लिया फ्रेंड्स, बरकत को आप चाहे तो ले सकते हो, हरुण अरशद को मैंने लिया। अब ब्रेकलॉन्ग यहाँ पर आपको बैट्समैन पे मिला था, यहाँ पर बॉलर ऑलराउंडर है फ्रेंड्स, यहाँ पर इनको भी आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 ऑलराउंडर हैं, तो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एक बैट्समैन को यहाँ पर मैं घटा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बैट्समैन की बात करते फ्रेंड्स एस सिंह को घटा के यहाँ पर मैं केसा बरकत है फ्रेंड्स यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो मैं केसा को ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर केसा के स्टैट्स देख लेते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पर केसा की बात करते फ्रेंड्स यहाँ पर किंचित साहू की अच्छी स्टार्ट से फ्रेंड्स यहाँ पर 100% ले सकते हो। हम आगे फ्रेंड्स यहाँ पर गेंदबाजों की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग 3 गेंदबाज को लेने वाले हैं, तो कौन होने वाले जल्दी से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गेंदबाज 11 में हम लोग 3 बॉलर्स को लेने वाले हैं। तो पहला बॉलर है डैनियल पास्कोए, 1 रन, 1 विकेट, 0 रन, 0 विकेट, 0 रन, 1 विकेट, 12 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, 0+, 2 विकेट, 11 रन, 3 विकेट। तो फ्रेंड्स डैनियल पास्कोए एक अच्छे बॉलर है, फेस बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद एशली कैडी की बात करें तो 18 रन, 3 विकेट, 0+, 1 विकेट, 2 रन, कोई विकेट नहीं, 0 विकेट और यहाँ पर नॉट प्ले फ्रेंड्स। यहाँ पर विकास शर्मा की यहाँ बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 विकेट, 1 विकेट, दोनों मैच में विकेट नहीं मिला, 1 विकेट और 0 विकेट। तो विकास शर्मा को आप कैंसिल कीजिए। हतीब इकबाल की बात करते हैं 1 रन, 3 विकेट, 7 रन, 3 विकेट, 5 रन, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हतीब इकबाल को आप कन्फर्म कीजिए। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स जेसन डेविडसन, 2 रन, 3 विकेट, 5 रन, कोई विकेट नहीं, 6 रन, कोई विकेट नहीं, 1 विकेट, 5 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, 4 विकेट, 11 रन, 23 गेंदों में 0 विकेट, 16 रन, 14 गेंदों में 2 विकेट है। तो फ्रेंड्स डेविडसन को भी आप ले सकते हो। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स नियाज अली, 6 रन, 3 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट है। आहन त्रिवेदी की बात करते फ्रेंड्स 1 विकेट, 7 रन, 2 विकेट, 5 रन, 3 विकेट, 1 विकेट, नॉट प्ले और 9 रन और 1 विकेट है। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर चार्ली वेलिस, 2 विकेट, 6 रन, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 रन, 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट है। आदिल महमूद की बात करते फ्रेंड्स 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट और 1+, 0 विकेट है। उसके बाद एलियस क्रीवर की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 1 विकेट, 2+, 1 विकेट, 0 विकेट, 2+, 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट है। आयुष शुक्ला की बात करते फ्रेंड्स यहाँ पर 7 रन, 2 विकेट, 25 रन, 2 विकेट, 0 विकेट, 0+, 0 विकेट, 0 विकेट है और 0 विकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बॉलर्स हैं, जेसन डेविडसन को आप ले सकते हो फ्रेंड, नियाज अली को आप ले सकते हो, फिर यहाँ पर अहन त्रिवेदी भी आपको बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद अतीब इकबाल आपको बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद बैट्समैन और डैनियल पास्कोए को आप ले सकते हो। तो फ्रेंड जल्दी जाकर गेंदबाजों को पिक कर लेंगे। तो अतीब इकबाल को मैं यहाँ पर कंफर्म कर रहा हूँ, त्रिवेदी को भी ले रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद पास्कोए है, शुक्ला है, उसके बाद यहाँ पर स्क्रीवर है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर जेसन डेविडसन को मैं ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स एक मेरा परफेक्ट टीम बन गया। तो अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो अजीत खान को मैं यहाँ पर कैप्टन बनाया। अगर वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो ब्रेट लॉन्ग एक अच्छे प्लेयर हैं, 3 मैच में 7 विकेट लें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक अच्छे प्लेयर आप इनको ले सकते हो। उसके बाद एटकिंसन है फ्रेंड्स यहाँ पर, एम खान है, तो यहाँ पर आप चाहें तो किसी भी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं यहाँ पर। अतीब इकबाल यहाँ पर अच्छे गेंदबाज हैं फ्रेंड्स, हर मैच में 3-4 विकेट ले रहे हैं, तो इनको मैं वाइस कैप्टन बनाएं। अगर टीम प्रीव्यू की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर एटकिंसन को मैंने विकेट कीपर पिक किया और यहाँ पर बैट्समैन में एम खान, हयात और एन खान है फ्रेंड्स यहाँ पर। और गेंदबाजी में यहाँ पर ऑलराउंडर्स में ए खान, अरशद, केसा, ब्रेट लॉन्ग है और यहाँ पर गेंदबाजी में ये त्रिवेदी, डेविडसन और एक बेल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन में अजीत खान और यहाँ पर एक बेल को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है। तो फ्रेंड्स ये कोई मेरा फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विजिट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, अगर लिंक नहीं ओपन हुआ फिर से बता रहा हूँ, अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन नहीं हुआ तो फ्रेंड टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौधरी सर्च करना, सर्च करते मेरे चैनल से हो जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, वो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल विजिट करना पड़ेगा फ्रेंड। उसमें यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर 11th वनडे मैच आपको ऑलरेडी बताएं, हांगकांग प्रीमियर लीग है फ्रेंड्स वनडे टूर्नामेंट का, ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 6:30 बजे सवेरे होने वाला है और ये मैच हांगकांग क्रिकेट क्लब ऑर्गेनाइज चंगगाप हांगकांग क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में देखा जाए तो हांगकांग क्रिकेट क्लब ने 4 मैच खेले, 2 मैच जीते और 2 मैच बारिश की वजह से कैंसिल हुआ था। कोलून 4 मैच में 2 मैच जीते, 1 मैच हार गए और 1 मैच कैंसिल हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट वर्सेस सेकंड पोजीशन के बीच होने वाला है। अगर दोनों टीम के बीच हेड टू हेड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार हुआ था, वो भी 24 अक्टूबर को हुआ था फ्रेंड्स। यहाँ पर 48 पॉइंट बॉल में 209 रन बनाए हांगकांग टीम ने 7 विकेट लॉस होकर,
और यहाँ पर ये मैच जीत गया था फ्रेंड्स 207 रन का टारगेट था, तो यहाँ पर इजीली वो टारगेट को चेज कर दिया। और कोलन क्रिकेट क्लब ने 48.3 ओवर्स में 206 रन बना के ऑल आउट हो गए और यहाँ पर 207 रन के टारगेट को इजीली चेज करके 3 विकेट से जीत गया। हांगकांग क्रिकेट क्लब ने कोलिन क्रिकेट क्लब को 3 विकेट से हरा दिया। अगर पिच की बात करें जो बैटिंग के लिए फेवरेबल है तो फ्रेंड्स मैं एक अच्छी टीम बनाया 180-200 स्कोर बन सकता है। क्लियर स्काई 18.83 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस रहने वाला है। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें दोनों टीम की बात करें तो यहाँ पर हांगकांग लास्ट दो के भी दोनों मैच जीत गए और यहाँ पर कोलिन क्रिकेट क्लब लास्ट 3 मैच में 1 मैच हारा है 2 मैच जीत गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो दोनों टीम की सेम अच्छे इक्वल टू स्टार्ट्स है। तो फ्रेंड्स यही है पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फ्रेंड्स आप ही को फायदा मिलने वाला है। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स जल्दी से देख लेना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट भी कर देना फ्रेंड्स, कॉमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।